परीक्षित सहानी साहब, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। भाई सुबह सवेरे आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाबर हैं, सत श्री अकाल। आप एक बहुत बड़े कलाकार के बेटे हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ा आपकी कला पर? देखिए, जहाँ तक बलराज सहनी साहब का की बात है तो सबसे बड़ा और बुनियादी प्रभाव मुझ पे उन्हीं का पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है दरअसल उन्हीं से सीखा है। और बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ काम करने का भी मौका मिला, और उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग के बारे में बल्कि अपने नज़रिए के बारे में, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यकीनन उनका बेटा होते हुए सबसे बड़ा प्रभाव तो उन्हीं का था मुझ पर। जब आप इंडस्ट्री में आए तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा? क्या आपकी तुलना आपके पिताजी से हुई? जी, वो कंपेयर तब भी करते थे और आज भी करते हैं, और उनकी आलोचना बिल्कुल सही है। सब ये कहते हैं और उनको कहना भी चाहिए कि बलराज सहनी साहब के साथ मेरी तुलना करना बिल्कुल गलत बात है। उनकी बात ही अलग थी, बहुत महान कलाकार थे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मैं पूरी तरह से कोशिश भी करूँ तो उन जैसा नहीं बन सकता। एक तो एक्टर होते हैं जो पैदाइशी एक्टर होते हैं, जैसे कि बलराज सहनी साहब, मैं समझता हूँ दिलीप साहब भी पैदाइशी एक्टर हैं, इन बॉर्न ग्रेटनेस है उनमें। संजीव कुमार ऐसे था, मोतीलाल जी ऐसे थे। एक होते हैं वो एक्टर्स जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक्टर एक्टिंग सिखाते हैं, अध्ययन करके, रियाज करके एक्टर बनते हैं। ऐसे भी बड़े आपको मिलेंगे एक्टर्स जिन्होंने आईने के सामने रिहर्सल्स करके, अपने बोलने का ढंग वगैरह उसकी रिहर्सल्स करके वो एक्टर बने हैं। उन्होंने इस कला को समझा है, उसे सीखा है बड़ी मुश्किल से और एक्टर बने हैं। तीसरे एक्टर जो होते हैं वो इत्तेफाकन एक्टर बनते हैं, बाय चांस एक्टिंग इज थ्रस्ट ऑन देम, समझे ना। मैं उस कैटेगरी में हूँ, क्योंकि यकीन मानिए मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मेरी जो ट्रेनिंग है वो दरअसल एक डायरेक्टर की ट्रेनिंग है, मैं डायरेक्शन सीख के आया था। और मेरी सबसे ज़्यादा रुचि लिखने में और डायरेक्शन में है,